तो दीनो बंदो दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के सो तुम्हें नवासी। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पावन पवित्र भूमि पर पलने वाली हमारी सीता सावित्री अनसुईया जैसी मात शक्ति, मैं भाई गायक राजेश कुमार बढ़रा से श्री ऋषिदेव शास्त्री जी का शिष्य हूं और आज हमारे गुरु हमारे बीच में हैं। एक गुरुजी ने कल्पना की है, लिखा है, जो माहौल चल रहा है हमारे देवी देवताओं पर कीचड़ उछाला जा रहा है उसके बारे में गुरुजी ने लिखा है, आइए गौर करें। कि भला हुआ जो राम कहानी और हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में। उनका कहना है, राजेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वो काम किए हैं जो इंसान अगर उनकी तरफ नजर भी कर दे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन न जाने आज के कैसे कैसे कलयुगी लोग हैं जो हमारे प्रभु राम को गुंडा बताते हैं। हमारे श्रीमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताजी को ऐसा बोला, हमें बोलने में शर्म आ रही है, गुरुदेव आखिर ये लोग कैसे हैं, ये क्या सोच रहे हैं? ये नास्तिक हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मत पहले हर ले ही। परमात्मा ही दिमाग फेर देता है दुष्टा का। अरे पहले भी तमाम ऐसे हुए हैं जो राम के विरोध में गए, खुद उनकी सौतेली माँ के कई उनको नहीं समझ पाई, तो ये एरा गहरा क्या समझ पाए कि श्री राम क्या है। जी गुरुदेव, कई जन्मों की तपस्या होती है तब श्री राम के बारे में विचार उत्पन्न होते हैं हृदय में। जी गुरुदेव, इन लोगों को क्या पता है कि प्रभु हैं क्या। अगर प्रभु का नाम धोखे से एक बार निकल गया मुंह से तो अजामिल जैसे दुष्ट कसाई तर गया। अरे ये तो लंका के रावण की औलाद है जो श्री राम को बुरा बोल रहे हैं। धन्य हो गया गुरुदेव, मैं तुम्हारे वचन सुनने के बाद धन्य हो गया। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में। राजेश जी गुरुदेव, अरे हल्के विचारों से क्यों बोल रहे हो, लेने के देने क्या पड़ जाते। अगर एक रावण सीता को चुरा ले जाता तो पीएसी उसके पीछे लगा देते। जी गुरुदेव, एक 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 बैनर पर पांच पांच राइफलें लटकी होती। जी गुरुदेव, सब कुछ हो जाता आज भी। अगर राम होते तो हम उत्तम होते, इनके लिए जो जो उदम मचाए रहे तिनके। जी गुरुदेव, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में। गुरुदेव एक बात और कहना चाहेंगे, बोलो, जो आपने इसमें लिखा है, सुपर खाकी नाक अगर लक्ष्मण द्वारा काटी जाती और मान हानि का दावा होता नहीं, जमानत मिल पाती।
सब तो बाद में होता। क्या हंसी आ रही है कि सुपन खा की नाक जब लक्ष्मण काटते जी गुरुदेव, और सुपन का भाग के रावण के पास जाती जी गुरुदेव, और वे पूछते कि किसने काटी है, तो बोल कैसे पाती जी, चिल्लाती मैया मैया जी गुरुदेव, मेरी नाक काट ली जी गुरुदेव। हेलो रावण कहता तू नाक कटवाने गई क्यों थी, दूसरा ये सब बलवान जाते जी, और इन्हें सबको एक साथ मार मरवा देती सुपर खां जी गुरुदेव, तब तक होली का त्योहार आ जाता जी गुरुदेव। रावण के यहाँ दो चार ट्रक तो बतासे इकट्ठे हो जाते, बहुत रिश्तेदार मारे जाते। बात तो बढ़िया है। सुपर खां की नाक गई अगर, सुपर खां की नाक गई अगर लक्ष्मण द्वारा काटी जाती, नहाने का दावा होता नहीं, जमानत मिल पाती। अनासी क्या होश में नहीं है आप, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है गुरुदेव, क्या हमारे प्रभु राम ने आदेश किया कि लक्ष्मण बात याद करो, और वही सुपर खां आ रही है जो तुम्हें इसने पूर्व जन्म में धोखा दिया, ऐसी पत्नी के नाक और कान काट के भगा। लेकिन अगर आज वही नाक कान काटी जाती तो ये लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते, आज कहां श्री राम आते। आज तो खुद ही आज के रावण और मेघनाथ सुपर खां के आगे पीछे खुद ही घूमते होते, विवाद नहीं हो पाते। रावण और मेघनाथ ही है जो श्री राम की बुराई करते हैं जी गुरुदेव, और सुपर खां अपने घर भेज देते हैं जी गुरुदेव। सुपर खां को भेजो तो आज भी नाक कट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी गुरुदेव। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, और लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में। दूसरी लाइन में गुरुदेव ने लिखा है, हनुमान के द्वारा रावण की, हनुमान के द्वारा रावण की लंका में आग लगी होती, और फिर अग्नि के उन्हें लग जाता जेल में रात कटी होती। ये तो समस्या हो जाती, कैसे गुरुदेव शेष पूरा थाना पीछे पड़ जाता और हनुमान जी को बांध नहीं पाता जी, और हनुमान जी को वो ले भी जाते तो मुकदमा ऐसा लगता चाचर वकील हो जाते, लेकिन हनुमान जी की जमानत नहीं हो पाती जी गुरुदेव, और जब वो हाजिर नहीं होते तो फिर पीएसी भी गांव गांव में मारी मारी घूमती जी गुरुदेव, दिक्कत तो आती। उन्हें लग जाता जेल में रात कटी होती, हाँ जेल में रात कटी होती, हाँ जेल में रात कटी होती। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है गुरुदेव, देखिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो सेवक पवन पुत्र हनुमान थे, त्रेता युग में उन्होंने रावण की लंका फूंक डाली थी और उनकी जय जयकार हुई, आज भी वही उनकी जय जयकार हो रही है। और अगर वही हनुमान जी आज किसी की लंका फूंकते हैं तो लोग उन पर कितनी टिप्पणियां करते, और अगर हनुमान जी रावण की लंका कलयुग में फूंकते तो लोग क्या से क्या कहते। कोशिश जरूर करते वो गलत बोलने की, लेकिन ये हमारा धर्म इतना मजबूत सनातन है, इसके विपक्ष में बोलने वालों की बोलती नहीं रहती है जी गुरुदेव। हमारे पीछे श्री राम की जन्मभूमि पर भी और विवाद चला था
जी गुरुदेव, उन्होंने अपना इतिहास और भूत और भविष्य तीनों देख लिया होगा कि है क्या। जी गुरुदेव, सनातन धर्म किसे कहते हैं और ये जो बौद्ध धर्म है, वैसे तो बुद्ध का अवतार हमारे सनातन धर्म में भी है। जी गुरुदेव, आठ कलाओं से, लेकिन ये वो बुद्ध नहीं है, ये वो बुद्ध नहीं है। जी गुरुदेव, ये लंका के राजा रावण की संतान है जो राम के खिलाफ बोलती है। अरे बौद्ध भगवान की संतान जो होती तो अपने बौद्ध के प्रचार में बोलती। जी गुरुदेव, इनके पास में प्रचार प्रसार करने के लिए शब्द नहीं है। हमारे पास कन्हैया की कथा कहने के लिए एक महीना पड़ा है, 18 पुराण हमारे पास, जीवन लग जाएगा पूरे पुराणों की कथा करते करते। हम 18 पुराणों की कथा कहने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी, एक बात हम कहना चाहते हैं, जरा आप मुझे बता दें। हाँ बोले। और जनता को भी सुनने को मिलेगा, ये बौद्ध का प्रचार करते हैं, बौद्ध क्या थे, जरा हमें भी समझा दें। बौद्ध तो तुम जानते हो, तुम्हें कितनी बार तुम्हें हमने कहा होगा, बौद्ध सिद्धार्थ थे जी, और एक राजकुमार थे जी गुरुजी। कोई अवतार नहीं था, परमहंस थे, दयालु थे जी, और हंस को मार उनके मौसेरे भाई ने या चचेरे भाई ने हंस मार दिया था जी गुरुजी, और हंस के बदले में उन्होंने अपने शरीर के मांस को दे दिया था कि जाओ हंस छोड़ दो और तुम हमारे मांस को ले जाओ। जी गुरुदेव, ये बौद्ध के पुजारी नहीं हो सकते जो श्री राम की बुराई करते हैं, ये बौद्ध के अनुगामी नहीं हो सकते जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, ये बुद्धहीन हो सकते हैं। बौद्ध के विचार तो सनातन धर्म से मिलते जुलते रहे। धन्य हो गया गुरुदेव, आपकी बात सुनने के बाद तो धन्य हो गया। पहले बौद्ध कथाएं सीखने होगी। भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में। बात दिमाग में और आई है गुरुदेव। हाँ बोलो। जो आपने लिखा है, जामपंत फौजी ले जाते, जामपंत फौजी ले जाते रावण को घिरवाने में। बिल्कुल सही कह रहे हो, जही रुको, आधी फौज जही रुको, बड़ी दिक्कत यहाँ आ जाती। जी गुरुदेव, पहले तो सब बानर लंका तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लंका सोने की बताई जा रही है, रास्ता में सोना थोड़ा बहुत पड़ा होता जी, लोभी लालची होते वो ले लेके सोना भाग जाते जी। एक नहीं, आधी फौजें जामंत के कहने से लंका में नहीं पहुंचती जी, और जामंत चिल्लात घूमते सिपाहियों आगे बढ़ो, सिपाही ढूंढे नहीं मिलते जी। गुरुदेव, गुरुदेव भाइयों माफ करना, आज हमारे गुरुजी हमारे साथ में हैं, बोल रहे हैं बस इन्हीं की छाया और माया है राजेश के ऊपर, जो आज समाज में बोल रहे हैं, और गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद है, और हमारे बाबा जी का भी हमारे गुरुजी पे आशीर्वाद है, और नाती पे पूरी कृपा है। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा ने हमें चैन में नहीं रहने दिया, जब तक वो रहे तो दिन में कथा रात में कैसेट। जी गुरुदेव, अब थोड़ा आराम मिला भी था तो तुम पीछे पड़ गए, और जब तुमने गाया झटका चंदन एक विचार हम बताएं आपको। जी गुरुदेव, चंदन की किरचे भली गाड़ी भले भलो न काट जी, चेला तो बहुत है जी गुरुदेव, चेला कई ऐसे जिनने फोटो शंख चबाए, उनने धोती दही और पांच और चले गए जी गुरुजी, कुछ ले नहीं पाया वो सौभाग्य वाले चेला होते। चंदन की किरचे भली गाड़ी भली भलो न काट, सपूत घरे कई भलो कपूत भले नहीं साठ। धन्य हो गया गुरुदेव। जामपंत फौजे ले जाते रावण को घिरवाने में, आदि फौज घरे भजती वो सोने को पहुंचाने में। गुरुजी मेरे विचार में एक बात और आती है। बोलो। पहले की जो फौज थी, भगवान श्री राम के कहने पर उसने लंका पे चढ़ाई कर दी,
और बिल्कुल ईमानदार थे, वो भी मर्यादा निभाने वाली फौज थी। अगर आज कलयुग की फौज होती तो गुरुजी क्या होता? करना पड़ता। आज कलयुग की फौज होती तो उन्हें सोना चुराना पड़ता, उनकी मजबूरी थी। भर्ती हुए होते तब 3-3 लाख लग जाते, कहां से लाते सोना? ऐसा दाव छोड़ते नहीं, लगता में युद्ध नहीं होता, लूट होती। जी गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो अफसोस है, धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। भाइयों में बुराई आपकी नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य यही है कि एक मानव जाति है, आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। आपका परम कर्तव्य है हमारे प्रभु राम को सम्मान दे, उनका अपमान न करें, बस यही हम चाहते हैं। हमारे प्रभु ने वो किया है जो कोई कर नहीं सकता। आपके मुंह से गुंडा शब्द सुनते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गुरुजी कुछ बोलिए इनके बारे में। वो समझदार हैं, भूल कर गए, भूल से भूल हो जाए तो भूल समझ के भुला देना चाहिए। ये भी मैंने सुना है कि माफीनामा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भूल से भूल हो जाए तो भूल समझ के भुला देना चाहिए जी, और भुला देना चाहिए भूल को, कभी अपने राम को नहीं भुला देना चाहिए जी गुरुदेव। एक बात और बताऊं। क्या गुरुदेव? नजर को नजर की नजर से मन देखो जी, बुढ़ापा है। नजर को नजर की नजर से मन देखो, क्योंकि नजर को नजर की नजर लग जाएगी, और नजर को नजर की नजर लग गई तो ऋषि देव की नजर फिर किधर जाएगी जी गुरुदेव। लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में, अंतिम लाइन और कहेंगे गुरुदेव। हाँ, मुझसे रुका नहीं जाता है, क्योंकि आपका जब आशीर्वाद है तो राजेश बोलेगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलने के लिए चिंता मत करो बेटा, तुम चेलाओं में प्रथम स्थान है, और प्रथम स्थान चेलाओं में नहीं है, आज के गायकों में है, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है वो जनरल स्टोर की दुकान है जी गुरुदेव। जनरल स्टोर की दुकान पर जो लोग चाहिएगा वो मिलेगा। अब जी वो ही पाता है जिसको ज्ञान है, अभिमानी को थोड़ी ये सौदा रखी है। अंतिम लाइन जमाने में, गुरुदेव त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उस समय विश्व में जय जयकार हो गया था। हमारे प्रभु ने एक अत्याचार को खत्म कर दिया, एक दुराचारी को मार दिया, पृथ्वी का भार कम कर दिया, और आज हमारे प्रभु अगर रावण का वध करते कलयुग में करते तो ये कलयुगी लोग कैसी टिप्पणियां उठाते उन पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज तब एक रावण था, अब घर घर में रावण है जी गुरुदेव। राम का काम बहुत बढ़ जाता जी गुरुदेव, लेकिन मारे फिर भी जाते को। राम के जमाने में आराम से जीने की आदत पड़ती है लोगों की जी गुरुदेव। गुरुजी एक बात और बताएं। बोलो, राक्षसों का जो वध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हवा के समूह को तूफान कहते हैं, तूफान जिस जगह पर रुक जाए उसे चट्टान कहते हैं, चट्टान को बनाना और बिगाड़ना जानता है उसे इंसान कहते हैं, इंसान को दुख दे उसे शैतान कहते हैं, और शैतान को मार दे उसे भगवान कहते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री राम यदि रावण का वध करते इसी जमाने में, पुलिस भी ऐसी पीछे पड़ती, ये पुलिस भी ऐसी पीछे पड़ती रामा दल घिरवाने में। और शुक्र गुरुदेव, अगर अब रावण का वध करते तो इतने रावण के पक्ष वाले हो जाते तो भगवान श्री राम को चैन से नहीं रहने देते। इन रावण के वंश वालों ने तब श्री राम का कुछ नहीं कर पाया, आज भी कुछ नहीं हो पाता।
जी गुरुदेव ये विरोध जरूर करते जी, लेकिन राज राम का होता रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। मेरे कहने का मतलब गुरुदेव एक ही है, विजय राम की होती। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सम्मानजनक उनकी पूजा करें। अनार सिंह कहां ध्यान है तुम्हारा? सम्मानजनक उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें, और हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का ध्यान धरें, गुरुओं का सम्मान करें, बस यही कहना है। हमारे प्रभु राम पे ऐसी टिप्पणियां न करें। श्री राम मैया तेरा बड़का पद करते इसी जमाने में, और पुलिस पिए सी पीछे पड़ती रामा दल घिरवाने में। क्या कहना है गुरुदेव? अरे हम ये कह रहे हैं कि दिक्कत तो खैर आती और दिक्कतें सब दूर भी हो जाती, मुकदमा लगते, लेकिन ये विचार लोगों के उन्हीं के तो बनते हैं जो भक्त हैं भगवान के जी। और जब परमात्मा ने खिलाफ बुद्धि दी है तो समझ लो विनाश की जड़ है जी गुरुदेव। दूसरे के धर्म पर, दूसरे के पिता पर, दूसरे के गुरु पर और दूसरे के परिवार पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव एक बात और आ गई, मैं कह दूं। बोलो। मैंने ये सुना है कुछ लोग ये कहते हैं कि दुर्गा की मूर्ति बनाने के समय वैश्या के घर से मिट्टी क्यों आती है, इसका क्या कारण है? वो अर्थ ज्ञानी है या उन्हें पूर्ण मूर्ख कह दो, क्योंकि दुर्गा की मूर्ति कोई बना सकता है क्या? वो जगत है, दुर्गा माँ सभी देवताओं ने अपने अंगों से प्रकट की थी। नेत्र किसी के थे, भुजाएं किसी की थी, और पक्षस्थल किसी का था, पैर किसी के थे, सब अलग अलग देवताओं की। 33 कोट देवताओं ने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया था, जो भोले बाबा की पत्नी कह लीजिए चाहे जगत की माता कह लीजिए, ये पार्वती जी के ही 108 रूप हैं। जिन्हें ये गंदा कहते हैं ये तो अपने अपने विचार हैं। एक जगह तोता बोल रहा था कि भगवान तेरी कुदरत, भक्त ने जाना भगवान तेरी कुदरत कह रहा है, और पहलवान ने जाना डंड बैठक कसरत कह रहा है, बनिया ने जाना कि नोन में चदरक कह रहा है। तो ये नास्तिक कहीं बेटा, वो नास्तिकता की हमेशा बात करते रहते हैं। ये माफी मांग ले तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इन्हें सुधरना कहाँ है? नरक में भी तो किसी को जाना है गुरुदेव। आपने मुझे ये भी बताया था बेटा, ये लोग जो कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं, और ये भी आपने मुझे बताया था कि राजेश दुर्गा की जब मूर्ति बनती है तो चार जगह से मिट्टी आती है। एक तो गंगा तट की मिट्टी आती है, दूसरी वैश्या के दरवाजे की मिट्टी आती है। हाँ हाँ, दरवाजे पर। ऐसे ही गुरुजी? घर नहीं, दरवाजा। दरवाजे पर वैश्या के पे इसलिए आती है कि सब लोग धर्म अपना दरवाजे पे ही छोड़ जाते हैं जी गुरुदेव, वैश्या के पास जाते हैं जी। तो धर्म दरवाजे पर होता है, वो धर्म की मिट्टी आती है न कि वैश्या की। और गुरुजी आपने ये भी बताया था कि उसमें गोबर की भी आवश्यकता होती है, गाय का गोबर और गाय गौमूत्र। हाँ, ये सब चलता है। अब उनको ये पूछा जाए कि उसमें गौमूत्र ही क्यों आता है, क्यों आता है गौमूत्र? लेकिन हम ये सारी बातें नहीं बताएंगे, क्यों? तो तुम्हें जानकारी नहीं है, सीखो। लेकिन बुराई न करो किसी की, हम आपकी कभी बुराई करते नहीं, न मैं किसी का नाम लेते हैं, न हमारे गुरु किसी से जो है टिप्पणी करते हैं, न किसी की बुराई करते हैं। अगर अपने धर्म में कम शब्द हो तो अपने धर्मगुरुओं से कहो कि शब्द कोश बढ़ाएं जी गुरुदेव। अन्य धर्म पर, इस्लाम धर्म हमारे विपरीत है लेकिन हमारे हिंदू धर्म की बुराई नहीं करता, ना हम उनकी बुराई करते हैं जी गुरुदेव। वो ईसाई धर्म हमारे विपरीत है और वो भी फिर भी धर्म, वो उनका अलग धर्म है, विपरीत क्यों है? विपरीत में केवल ये बौद्ध आता है बार बार, क्योंकि तुम्हें अपने धर्म की प्रशंसा करने की जानकारी सीखो, बहुत कुछ है। कई देशों में बौद्ध धर्म चल रहा है जी गुरुदेव, पुस्तकें मंगाओ, अरे सदगुरुओं के पास में जाओ, तुम्हारे धर्म में बहुत कुछ है बोलने के लिए, उसे बोलो जी गुरुदेव। आर्य समाज और बौद्ध ये केवल सनातन के पीछे पड़े रहते हैं, तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है जी गुरुदेव। भला हुआ जो राम कहानी, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते होती नए जमाने में।
लिखते गुरुदेव हमारे में नहीं शर्माते जाने में, और लेने के देने पड़ जाते हो नए जमाने में, लेने के देने पड़ जाते हो नए जमाने में, भाई होती नए जमाने में। बहुत सुंदर।